Jai Hind everyone. So today we will study the second chapter of computer, that is the cascading style sheet. Cascading style sheet की जो short form होती है वो होती है हमारी क्या CSS. ये जो cascading style sheet होती है ये हमारी basically HTML जो documents हम बनाते हैं जिसका हमने जिक्र किया था first chapter में, that is HTML, hypertext markup language. ये एक language है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं websites को क्या करते हैं design करते हैं. एक web page वेबसाइट के अंदर हमारे क्या होते हैं वेब पेज कंटेंट होते हैं. तो वेब पेज क्या होता है हमारा, तो वेब पेज होता है एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट, जो इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द वेब ब्राउजर. जैसे हम क्रोम ब्राउजर करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स करते हैं, क्रोमियम करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दीज ऑल आर द वेब ब्राउजर जिनके थ्रू हम जैसे google.com ये वेबसाइट्स होते हैं इनको ओपन करते हैं तो गूगल का जो पेज है वो ओपन हो जाता है. दैट पेज ऑफ गूगल इज नोन एज द वेब पेज. इसको कॉमनली जो रिटर्न होती है हमारे जो वेब पेजेस जो होते हैं वो रिटर्न इन द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो एचटीएमएल लैंग्वेज होती है हमारी उसके अंदर इसको हम क्या करते हैं लिखते हैं. तो वेब पेज के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक पेज से दूसरे पेज की तरफ हम जाना चाहें तो भी जा सकते हैं. उस पेज का अंदर जो अभी हम टेक्स्ट अलाइन करते हैं, पिक्चर को अलाइन करते हैं कि सेंटर में पिक्चर को रखनी है या फिर लेफ्ट साइड में रखनी है या फिर राइट में, जो टेक्स्ट होता है उसका साइज है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट्स जो होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो, या फिर टेक्स्ट का जो कलर होता है जो वेब पेजेस के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं उनका जो कलर होता है उनको भी हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं. ये जितने भी चेंजमेंट्स होते हैं हमारे ये सब हम क्या करते हैं कोडिंग के थ्रू करते हैं, और वो कोडिंग हमारी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है उसके द्वारा की जाती है. और इसलिए HTML जो होता था उसके अंदर जब हम कोडिंग करते थे तो हम क्या करते थे कि जो एक पेज की अगर हमने कोडिंग की है तो नेक्स्ट की कोडिंग हमें सेम करनी पड़ती थी. अगर हमें एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे क्या वैल्यूज जो होते हैं अगर सेम रखनी होती है, सेम अगर फॉर्मेट रखना हमें, तो हम क्या करते हैं CSS को यूज करते हैं. इट इज मोर कन्वीनियंट, ज्यादा ईजी पड़ता है CSS. क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बार जिस वैल्यू को डिफाइन कर दिया वो वैल्यू हर वेब पेज के अंदर सेम रहती है. अगर हमें सेम वेब पेज रखना है तो वो वैल्यूज क्या करेंगी सेम रहेंगी. तो बात करते हैं कि CSS जो होती है वो होती क्या है. तो CSS होती है हमारी एक स्टाइल शीट होती है, स्टाइल शीट लैंग्वेज. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमारा कैसा दिखे या फिर उसके अंदर जितने भी फॉर्मेटिंग होती है. फॉर्मेटिंग क्या क्या कर सकते हैं हम, कलर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट के अंदर जो साइज होता है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल्स की जैसे 3D शेप डालनी हो कैसे भी डालनी हो तो वो सब किसके अंदर आती है फॉर्मेटिंग के अंदर आती है हमारी. तो उनको हम क्या कर सकते हैं फॉर्मेट कर सकते हैं इन द मार्कअप लैंग्वेज, जो HTML लैंग्वेज होती है उसी की एक टाइप होती है दैट इज द CSS, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट. अब बात करते हैं कि जो CSS होती है इसकी एडवांटेजेस जो होती है हमारी क्या होती है. तो फर्स्ट जो एडवांटेज होती है CSS की वो ये होती है कि इट सेव्स द टाइम, कि टाइम है वो बहुत ज्यादा हमारा सेव हो जाता है इसके अंदर. कैसे कि CSS फाइल को अगर एक बार हमने लिख दिया तो क्या करेंगे वही सेम शीट मल्टीपल जो HTML पेज है उसके अंदर यूज हो जाती है, और मल्टीपल में यूज होगी तो हम क्या कर सकते हैं वहां से सीधा कॉपी वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है. सेकंड आता है कि पेजेस लोड फास्टर, कि जैसे हम बात करते हैं कई बार क्या होता है कि जैसे हमने कोई वेबसाइट ओपन की तो उसका पेज ओपन होने के अंदर हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी जो लोडिंग स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है. तो लेकिन अगर CSS में अगर हम कोडिंग करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो हमारी क्या हो जाती है कम हो जाती है. तो CSS के अंदर हमें HTML टैग हर बार नहीं डालना पड़ता. एक बार अगर हमने CSS में कोई रूल डिफाइन कर दिया, किसी भी टैग को डिफाइन कर दिया और उसको अप्लाई कर दिया, जितनी बार भी वो टैग है वो अपियर हो तो उसके अंदर क्या होगा कि लेस कोड हमें डालने पड़ेंगे, और लेस कोड डालते हैं इसका मतलब जो डाउनलोडिंग स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी फास्टर हो जाएगी. लेस कोड्स के कारण जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो क्या हो जाएगी फास्टर हो जाएगी. नेक्स्ट बात करते हैं कि इजी मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना है वो बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है, बहुत आसान होता है हमारे लिए कि मेक ए ग्लोबल चेंज, कि हमें ग्लोबली अगर पूरी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई चेंज लाना है तो कम एक पेज के ऊपर लाएंगे तो बाकी पेजेस के ऊपर क्या हो जाता है एप्लीकेबल हो जाता है. तो इसको मेंटेन करना भी क्या होता है बहुत ज्यादा इजी होता है. नेक्स्ट आता है सुपीरियर स्टाइल टू HTML, कि जो HTML के अंदर जो हम स्टाइल्स यूज करते हैं इसके अंदर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, बेसिकली कहेंगे और ज्यादा स्टाइल्स है वो यूज कर सकते हैं HTML के बजाय. तो ये बहुत ज्यादा सुपीरियर स्टाइल होती है टू द HTML. नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल डिवाइस कंपेटिबिलिटी,
कि मल्टीपल डिवाइस कंपेटिबिलिटी का मतलब होता है कि इसको हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कि जैसे अगर सीएसएस के अंदर हमने कोई एक वेबसाइट के ऊपर यूज किया, उसी डाटा को हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक डिवाइस से अगर करेंगे तो दूसरी डिवाइस से भी उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो डिवाइसेस जैसे कि पीडीएस हो गए, हमारे पर्सनल डेस्कटॉप जो होते हैं, सेल फोन्स हो गए, या फिर प्रिंटिंग जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर भी हम सीएसएस का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी एडवांटेज ऑफ सीएसएस इज ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स, कि ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड की एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिप्रिसिएटेड हो जाते हैं, एंड इट इज रिकमेंडेड टू यूज द सीएसएस। और सीएसएस को यूज करना बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्यों, क्योंकि इट इज गुड आइडिया टू स्टार्ट यूजिंग सीएसएस को यूज करना बहुत अच्छा माना जाता है इन द ऑल द एचटीएमएल पेज। क्यों, क्योंकि वो और ज्यादा जितने भी फ्यूचर ब्राउजर्स आ गए, मतलब भविष्य में जितने भी हमारे और भी ब्राउजर्स आएंगे उनके अंदर क्या होगा, उसको वो कंपेटेबल हो जाएगा, उनके साथ एक तालमेल बना सकता है। जो सीएसएस होता है वो एचटीएमएल के अंदर जो अगर हम बनाते हैं किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे तो वो फ्यूचर वेब ब्राउजर्स के अंदर चलेगी या नहीं चलेगी उसका कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए इट इज गुड टू यूज द सीएसएस। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट्स, कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है सीएसएस के अंदर, हमारे डिटेल्ड एट्रीब्यूट्स आते हैं देन द प्लेन एचटीएमएल। तो इसलिए हम उसकी वेबसाइट की लुक और फील, की वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए और कैसी महसूस हो किसी को, तो उसको भी हम अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीएसएस सिंटैक्स, दैट इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। सो सीएसएस सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है कि जैसे हम किसी को, जैसे पिछले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि http://protocol जो हमने पढ़ा था, http://protocol जो प्रोटोकॉल्स, जो रूल्स हमने डिफाइन किए थे, डॉट अगर हम बात करें कि grahambooks.com जो www से किया था, grahambooks.com, तो ये क्या था, हमारे वेबसाइट का एड्रेस था। तो ये एड्रेस जो होता है ये क्या कहलाता है, एक सिंटैक्स कहलाता है, कि किसी भी चीज को क्या करना, एक एड्रेस प्रोवाइड करना, एक पाथ प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज द सिंटैक्स। कि कोड को किस तरह से हम डिजाइन करें, वो कोड को डिजाइन करने का जो टेक्निक होती है वो कहलाती है हमारी सिंटैक्स कहलाती है। तो जो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है ये इजी और एफिशिएंट, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है, क्योंकि वेरियस एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो इसके अंदर मिल जाते हैं हमारे, और हर प्रॉपर्टी की एक नेम होता है और एक वैल्यू होती है। तो नेम देखो, जैसे यहां पर दे रखा है कि H1 ब्रैकेट में कलर कॉलोन येलो, उसके बाद सेमी कॉलोन है, दिस इज द कॉलोन, जो दो डॉट होते हैं ये कॉलोन होता है हमारा, और जो एक डॉट और एक नीचे कॉमा होता है दिस इज द सेमी कॉलोन। तो ये जो देखो सिंटैक्स दे रखा है, इसके अंदर H1 ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स कौन सी हमारी, कर्ली ब्रैकेट्स है, कौन सी ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स है। तो कोई भी सिंटैक्स जब हम देंगे तो सबसे पहले सिलेक्टर की, जिसको हमने सिलेक्ट किया, जैसे हेडिंग वन को सिलेक्ट किया इसने एग्जाम्पल के रूप में, H1 दैट इज हेडिंग वन को सिलेक्ट किया, उस हेडिंग वन के अंदर क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज डिफाइन होंगी उस हेडिंग में, तो उस हेडिंग का जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो, और उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो कितना होगा, 11 पिक्सल, कि 11 जो साइज होगा, जो टेक्स्ट होगा उस हेडिंग के अंदर, उस हेडिंग का साइज कितना हो जाएगा, 11 का हो जाएगा। और ये जो कलर, कलर इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी, और येलो क्या होगी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी हमारी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू इट इज ऑलवेज सेपरेटेड बाई ए कॉलोन। और उसके बाद अगर हमें सेकेंड प्रॉपर्टी, जैसे कि फॉन्ट साइज है, ये हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, और 11 जो पिक्सल है इस प्रॉपर्टी की क्या कर दी हमने, वैल्यू डिफाइन कर दी। तो ये प्रॉपर्टी और वैल्यू इट इज ऑलवेज सेपरेटेड बाई ए कॉलोन। और जो अलग अलग दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हुई है, ये जो प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कितनी भी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं एक सिंटेक्स के अंदर, वो प्रॉपर्टीज आपस में एक सेमी कॉलोन से सेपरेट होती है। तो अब बात आती है इसके अंदर कि सिलेक्टर होता है वो क्या होता है। तो सिलेक्टर क्या करेगा, HTML जो एलिमेंट्स है उनको सेलेक्ट कर लेगा ऑन द बेस्ड ऑफ देयर नेम। जैसे यहाँ पर H1 है तो हेडिंग 1 नाम डाल रखा है, हम कोई और नाम डालेंगे तो उस नाम को भी क्या करेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा, उस क्लास को सिलेक्ट करेगा या फिर एट्रीब्यूट को। डेक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर वन और मोर डेक्लेरेशन होते हैं जो सेपरेटेड बाई ए सेमी कॉलोन, एक सेमी कॉलोन से सेपरेट होते हैं। इसके अंदर क्या आती है, प्रॉपर्टीज, और उस प्रॉपर्टीज की क्या आती है, वैल्यूज आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल में कलर येलो था, फॉन्ट साइज 11 था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी जो होती है, वो प्रॉपर्टी होती क्या है। तो प्रॉपर्टी एक एट्रीब्यूट होता है एक तरह का एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर। ये प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है कि कलर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हम बॉर्डर को कर दें कि बॉर्डर डार्क होगा, कैसा होगा,
फॉन्ट जो साइज होता है वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज। और वैल्यू क्या होती है कि वैल्यू जो होती है जो सी एस एस प्रॉपर्टीज को दी जाती है, जैसे कि हम वैल्यूज कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर वैल्यूज दी गई थी येल्लो और यहाँ पर वैल्यूज दी गई थी 11 पिक्सल, तो 11 इज द वैल्यू, येल्लो इज द वैल्यू। अब जो फॉर्मेट बात करें तो फॉर्मेट कैसे होता है, सबसे पहले हम सिलेक्टर डालेंगे, सिलेक्टर के बाद प्रॉपर्टी करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाद प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद कॉलोन, क्योंकि प्रॉपर्टी और वैल्यू कॉलोन से सेपरेट होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे उस प्रॉपर्टी की, फिर अगर हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी डालनी है तो दोनों प्रॉपर्टी के बीच में एक सेमी कॉलोन से सेपरेट किया जाता है, दिस इज द सेमी कॉलोन। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, और लास्ट में क्या करेंगे, उस सेकंड प्रॉपर्टी की वैल्यू, और जो हमारा ये कोडिंग होगी ये खत्म किससे हो जाएगी, करली ब्रैकेट से खत्म हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस चैप्टर्स अबाउट द कोडिंग्स, बैकग्राउंड, टेक्स्ट एंड इमेजेस, हाउ यू कैन चेंज द टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड द बैकग्राउंड ऑफ द वेबसाइट। टिल देन थैंक यू सो मच।